जैन फ्रेंड जॉब चैट चुटपुटे में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एमसी लखनऊ में आपकी कुछ दिन पहले ही आपकी एमटीएस के पदों पर रिक्रूटमेंट आउट की गई थी, उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। बहुत ही कम कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था, बहुत ही कम पोस्ट आपकी थी जिसमें आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी एमसी सेंटर में, आप लखनऊ में जहाँ पे आपकी अभी ज्वाइनिंग की गई है बहुत सारे पोस्ट पे, जिसमें एलडीसी कुक, एलडी वाशरमैन और अन्य पदों पर रिक्रूटमेंट आउट की गई थी, जिसका स्क्रीन पे आप ये एडमिट कार्ड देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडिकल जो स्टोर डिपो आपका लखनऊ में ये वैकेंसीज आपकी आउट रहने वाली हैं। एडमिट कार्ड फॉर द एमटीएस माली के पदों पर ये रिक्रूटमेंट आउट की गई थी मार्च के आपके एक न्यूज़पेपर में आपके नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं इनका आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ के में लेके जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर कोई भी स्कूल से या कॉलेज से संबंधित आईडी आपको लेके जा सकते हैं। इसमें आप एड्रेस आप देख सकते हैं, वेन्यू एग्जाम ऑफ देख सकते हैं, जिसमें आपका मेडिकल स्टोर डिपो लखनऊ में आपको बुलाया गया है, जिसमें जीजीएस मार्ग है जो वहाँ पे आपको पहुँचना होगा। ये आपका लखनऊ का एड्रेस है। 3 जून को एग्ज़ाम रखी गई है, एग्ज़ाम का टाइमिंग आपका 10 बजे का आपका रखा गया है। इसमें आपका कैंडिडेट का यहाँ सिग्नेचर होंगे, इसमें आप देख सकते हैं बाकी का कंप्लीट आपका सिग्नेचर वगैरह किया हुए हैं। इसमें सिलेबस भी आपका कंप्लीट जो पिछली बार एग्ज़ाम हुई थी सेम वही सिलेबस रहने वाला है। उसका पेपर भी अपने को आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट इंस्ट्रक्शन भी आपको दिए गए हैं। 60 मिनट में आपको बिफोर पहले पहुँचना है, मतलब 10 बजे से पहले 9 बजे रिपोर्टिंग आपको करना होगा। बाकी के एडमिट कार्ड को साथ में बिल्कुल आपको लेके जाना होगा, नहीं तो आपको जो भी है एंट्री नहीं मिलेगी। उसके अलावा आपको कोई भी राइटिंग मटेरियल साथ में ले जाके अलावा कोई भी अदर कोई भी स्टडी मटेरियल आपको साथ में नहीं लेके जाना है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कोविड की कंप्लीट आपको पालना करनी होगी। सिलेबस में आपका 1.5 घंटे का आपका जो 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 2 आवर्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें आपके 25 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी और 50 नंबर का आपका जो जीके रहेगा, 50 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी और मैथमेटिक्स आपके 25 नंबर की रहेगी। कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पिन मैसेज में उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और प्रीवियस पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसका जो भी आर्मी मेडिकल स्टोर डिपो का प्रीवियस पेपर वहाँ पे आपका अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट है way2jobsite.com, जिसकी लिंक आपको वीडियो में दोनों की दी गई है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं या वहाँ पर आपकी वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। ये कम्प्लीट जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। जिनका भी एडमिट कार्ड आया एक बार कमेंट बॉक्स में जोर कमेंट करें। बहुत ही कम कैंडिडेट का एडमिट कार्ड इसमें जारी किया गया है। इसमें जो कैंडिडेट हैं 85 से अबो ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनके भी एडमिट कार्ड देखने को मिल रहे हैं। 1-2 कैंडिडेट ही ऐसे मिले हैं जिनके एडमिट कार्ड आए हैं। बहुत ही कम कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए थे, बहुत ही कम कैंडिडेट के एडमिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। इसका ज्वाइनिंग भी बहुत ही फास्ट प्रोसेस आपके रहने वाला है। वैकेंसी आपकी बहुत ही कम थी, इसकी वजह से कंप्लीट प्रोसेस भी बहुत ही फास्ट आपकी करवा ली जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर आप एग्ज़ाम देने जाएँ जिनका भी एडमिट कार्ड आ चुका है। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कंप्लीट अपडेट, नोटिफिकेशन, रिजल्ट की जानकारी वहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है। जय हिंद दोस्तों।